तो कल किसी भाई का मैसेज आया था कि तुम सिर्फ फैट लॉस पर वीडियो बनाते हो या फिर वज़न घटाने पर ही वीडियो बनाते हो। हम लोग जो है काफ़ी परेशान है, हमारा वज़न ही नहीं बढ़ रहा है, मतलब वेट ही गेन नहीं हो रहा है। तो ये वीडियो भाई तुम्हारे लिए है, वीडियो को अंत तक वॉच करना। 3 सिंपल स्टेप बताऊँगा जिससे आप आसानी से अपनी वेट को बढ़ा सकते हैं। ओके, गुड मॉर्निंग, नमस्ते और स्वागत है आप सबका मेरे नए वीडियो में। आज की वीडियो जो है हार्ट गेनर के लिए है, स्किनी बंदे कुछ भी बोल सकते हैं जिनका वेट जो है बढ़ नहीं पाता या फिर आसानी से वेट नहीं गेन कर पाते हैं, जिनको बहुत सारी समस्या का सामना करना पड़ता है अपनी वजन को बढ़ाने के लिए। तो यह वीडियो भाई तुम्हारे लिए खास कर बना रहा हूँ। 3 सिंपल स्टेप मज़ेदार में बताऊँगा, आसानी से तुम अपनी वेट बढ़ा सकते हो। तो सबसे पहला सिंपल और इफ़ेक्टिव तरीका है, वो है वर्कआउट। जी हाँ, आप लोग को वर्कआउट करना ही पड़ेगा, आप लोग चाहे वर्कआउट घर पर करें या जिम पर। मैं प्रिफ़र करूँगा कि जो है आप लोग वर्कआउट जिम में करें, क्योंकि जिम में जो है बहुत सारी इक्विपमेंट मौजूद रहती है जिसे आप लोग आसानी से वर्कआउट कर सकते हैं। इस वीडियो में मैंने जो है अपनी शोल्डर की कुछ 2-3 एक्सरसाइज दिखाए हैं, आप लोग जो है उसको देखिए और कैसे लगाते हैं उसको भी देख लीजिए। आने वाले वीक में जो है मैं अपनी कंप्लीट वर्कआउट शेड्यूल डाल दूंगा, तो आज अभी जो है शोल्डर की वीडियो मतलब शोल्डर वर्कआउट की वीडियो दिखा रहा हूँ, आप लोग इसे देखिए। देन उसके बाद जो है मैं अगले स्टेप पर मूव ऑन करूँगा, जो है मेरी दूसरी सबसे सिंपल और इफ़ेक्टिव तरीका बताऊँगा। तो शोल्डर की सबसे पहली मूवमेंट जो मेरी रहती है वो रहती है शोल्डर ओवरहेड प्रेस। इसका करीब मैं 3 से 4 सेट लगाता हूँ। ये जो है मेरा पहला मेन सेट है, इससे पहले जो है मैंने वार्म अप किया था। तो आप लोग जो है मेक श्योर जरूर करिएगा कि किसी भी एक्सरसाइज को लगाने से पहले जो है वार्म अप जरूर कर लिया करिए। तो यह जो है मेरी फर्स्ट सेट है। इसके बाद जो है मैं वेट थोड़ा सा इंक्रीज़ करूँगा और उसके बाद जो है उसी के करीब 3 से 4 सेट लगाऊँगा। तो यही सेट है पहला। इसके बाद आप देखेंगे आप लोग जो है मैं अगला सेट लगाऊँगा और जो उसमें थोड़ी सी वेट को इंक्रीज़ कर दूँगा। तो ये रही मेरी शोल्डर ओवरहेड प्रेस की दूसरी सेट, करीब 60 किलो के आसपास है। तो यही जो है मेरी शोल्डर की पहली एक्सरसाइज है, आप लोग को मालूम है। तो इसकी करीब इसी सेम वेट से मैं करीब 3 से 4 सेट लेता हूँ और रेपिटेशन की बात करें तो करीब 6 से 8 के रेप रेंज के बीच में लगाता हूँ। यह जो एक्सरसाइज मसल बिल्डिंग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रोल प्ले कर अदा करती है। तो आप लोग जो है मेक श्योर जरूर करिएगा कि हर शोल्डर वाले दिन अपनी कंपाउंड एक्सरसाइज को जरूर ऐड करिए। तो शोल्डर की मेरी दूसरी मूवमेंट जो रहती है वो रहती है लेटर रेजेस। ये एक्सरसाइज जो है आपकी साइड डेल्स को ग्रो करती है और ये एक्सरसाइज इतनी ख़तरनाक है कि जो है आपकी पूरी ओवरऑल शोल्डर को डेवलप कर देगी। तो इस एक्सरसाइज को ज़रूर अपने वर्कआउट प्लेट में शामिल करिएगा। करीब 3 से 4 सेट लगाता हूँ सेम वेट से। देन इसके बाद अगली एक्सरसाइज जो रहेगी मेरी वो रहेगी रियर डेल्स के लिए। तो ये एक्सरसाइज जो है रियर डेल्स के लिए है, पैक्ड मशीन पर लगा रहा हूँ, करीब 4 सेट लूँगा। और वही इसमें जो है वेट उतना हैवी नहीं लगाता हूँ क्योंकि इसमें जो है मसल माइंड कनेक्शन के साथ करना पड़ता है। तो 20 किलो लगा कर जो है करता हूँ। तो यही जो है लास्ट एक्सरसाइज रहती है मेरी शोल्डर के लिए। तो शोल्डर में 3 हेड होते हैं, आप लोग को मालूम है। तो तीनों हेड को टारगेट जरूर करा करिए जिससे आपकी शोल्डर आसानी से ग्रो हो सके। तो दूसरा सबसे सिंपल और इफ़ेक्टिव तरीका है, वो है डाइट। जी हाँ, आप लोग को जो है डाइट फॉलो करनी ही पड़ेगी। अगर आप लोग की एम है कि जो है मेरी बॉडी मसल बिल्डिंग करे या फिर फैट लॉस करे या कुछ भी करे, मतलब बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन करनी है आप लोग को, तो डाइट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। डाइट ही पूरा गेम चेंजर है आपके शरीर को ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए। तो डाइट को जो है निगलेक्ट कभी मत किया करिए। तो आप लोग की गोल है बॉडी बढ़ाना, बॉडी वेट बढ़ाना या फिर साइज गेन करना या फिर लीन गेन करना, तो आप लोग को अब सबसे पहले बता दे रहा हूँ, आप लोग को आपकी मेंटेनेंस कैलोरी मालूम होनी चाहिए। हर वीडियो में बताता हूँ मेंटेनेंस कैलोरी के बारे में। तो मेंटेनेंस कैलोरी वो कैलोरी होती है जिसको जिस पर खा कर मतलब ना तो आपकी वेट बढ़ती है और ना ही वेट घटती है, समझ गए। तो जो है मेंटेनेंस कैलोरी सबसे पहले अगर आप लोग को मालूम रहेगा तो जो है आप लोग अपनी गोल को अचीव आसानी से कर लेंगे। तो मेंटेनेंस कैलरी बता दिया हूँ क्या होता है। तो मेंटेनेंस कैलरी सबसे पहले निकालने के लिए आपको गूगल पर जाना पड़ेगा। वहाँ पर आप जो है अपनी एज, वेट, हाइट, जेंडर, एक्टिविटी लेवल अपने अकॉर्डिंग डाल दीजिएगा, वहाँ से आपकी ये मेंटेनेंस कैलरी मालूम चल जाएगी। तो ये मेंटेनेंस कैलरी जो है एग्जैक्ट मेंटेनेंस कैलरी नहीं रहती है, इसको पता लगाने के लिए आपको थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो आपकी मेंटेनेंस कैलरी सपोज़ कीजिए 2300 या 2400 या 2500, कुछ भी आए, डिपेंड करती है पर्सन टू पर्सन।
तो सपोज़ कीजिए आपकी मेंटेनेंस कैलरी 2500 आई है, तो आप लोग जो है एक दो हफ्ते तक जो है 2500 पर खाइएगा। अगर आप लोग की ना तो वेट बढ़ रही है ना तो घट रही है, तो यही जो है आपकी मेंटेनेंस कैलरी रहेगी। अगर आपकी वेट घट रही है 2500 कैलरी पर, तो ये जो है कैलरी थोड़ा आप लोग फिर से बढ़ाइएगा, क्योंकि जो है ये आपकी मेंटेनेंस कैलरी नहीं रहेगी। तो मेंटेनेंस कैलरी आप लोग को मालूम चल गया कि मेरी मेंटेनेंस कैलरी इतनी है इतनी है इतनी है। मेंटेनेंस कैलरी मालूम होने के बाद जो है आपके लिए बहुत आसानी होगी आपकी वेट को बढ़ाने में। तो मेंटेनेंस कैलरी 2500 आ गई है, तो आप लोग को जो है लीन गेन करना है। मैं प्रीफर करूँगा कि लीन गेन करिएगा। लीन गेन का मतलब सिर्फ आप लोग जो है स्लाइटली कैलरी सरप्लस में खाइएगा। स्लाइटली कैलरी सरप्लस का मतलब सिर्फ 100 या 200 कैलरी का सरप्लस करिएगा। बहुत ज़्यादा सरप्लस खाएंगे ये तो फैट गेन हो जाएगा। फैट गेन होने के बाद आप लोग को सिर्फ कटिंग करना पड़ेगा। बॉडी कटिंग करने के लिए भी बहुत टाइम लग जाएगा, तो एक ही टाइम पर इतना मेहनत क्यों करें। जब आप लोग लीन गेन करेंगे तो खुद ही आप लोग की बॉडी जो है अच्छी खासी ग्रो हो जाएगी। तो फिर यही है सबसे सिंपल फंडा है, मेंटेनेंस कैलरी निकाल लीजिए, उसके बाद जो है 100-200 कैलरी का सरप्लस करिएगा। आसानी से आपकी बॉडी ग्रो होगी, प्लस उसके साथ साथ जो है लीन बल्क को ही लीन गेन करिएगा, तो जो है फैट बहुत कम गेन होगा और मसल मास बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगा। बस थोड़ा सा टाइम लगेगा, पेशेंस ज़रूर रखिएगा। जब तक आप लोग के अंदर पेशेंस नहीं रहेगा तब तक आप लोग जो है बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे भाई लोग को देखता हूँ जिम में जाकर एक दो हफ्ता या फिर एक दो महीना वर्कआउट करते हैं, उनको चेंजेस नहीं लगता है शरीर में, या फिर आके बोलते हैं कि भाई इतने टाइम से कर रहा हूँ तो बॉडी में चेंजेस नहीं आ रहे हैं। तो भाई आप लोग कर क्या रहे हैं जिम में? वर्कआउट के बारे में ना नॉलेज है, ना डाइट के बारे में नॉलेज है, ना कुछ भी नॉलेज है, तो वर्कआउट कर किस लिए रहे हैं? पहले जो है नॉलेज गेन करिए कि वर्कआउट को कैसे लगाते हैं, फिर डाइट को कैसे फॉलो करते हैं। बहुत सारे ट्रेनर को देखते हैं, उन लोग के पास भी नॉलेज नहीं रहता है, तो वो लोग जो है बस अपनी एक्सपीरियंस के बेस पर बताते हैं, ना कि नॉलेज के बेस पर। तो यही एडवाइस है कि जो है पहले आप लोग लर्न कीजिए वर्कआउट के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में, सप्लीमेंट के बारे में। सप्लीमेंट तो अलग चीज़ है, तो इन सब के बारे में जब तक आप लोग की जानकारी नहीं रहेगी तब तक आप लोग कैसे करेंगे? तो मैं हूँ ना बताने के लिए। तो आप लोग जो है यही सब सिंपल तरीका फॉलो करिए, डाइट को आसानी से फॉलो करिए, डाइट को फॉलो करिए, वर्कआउट को फॉलो करिए अच्छे से, आप लोग की बॉडी जो है बहुत अच्छी खासी ग्रो हो जाएगी। तो दूसरा सबसे सिंपल इफेक्टिव तरीका आप लोग को मालूम चल गया ना, डाइट है। तो डाइट को सीरियस लीजिएगा अगर आप लोग को बॉडी चेंज करना है, ठीक है। मिलते हैं थर्ड सबसे सिंपल स्टेप पर। तो तीसरा सबसे सिंपल और इफेक्टिव तरीका जो है वह है रेस्ट एंड रिकवरी, जिसे बहुत सारे भाई लोग निगलेक्ट करते हैं। निगलेक्ट करने का रीज़न मेन यही है कि रात को जो है बहुत ज़्यादा मोबाइल का यूज़ करते हैं। तो आप लोग जो है बहुत ज़्यादा मोबाइल का यूज मत करा करिए, करीब रात को 10 या 11 बजे के अराउंड आप लोग सो जाया करिए। भाई बोल के बोल रहा हूँ आप लोग को, सो जाया करिए। अगर आप लोग जो है ट्रांसफॉर्मेशन करनी है तब, अगर नहीं करनी है तो भाई आप लोग जो भी करें, तो जो है आप लोग रात को अच्छे से रेस्ट लीजिए, तब जाके आपकी जो है बॉडी आसानी से ग्रो होगी। क्योंकि रात को जो है बहुत सारी अच्छी खासी हार्मोन्स रिलीज होती है, जिससे आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए। और आपकी गोल जो है मसल बिल्डिंग या फिर फैट लॉस या फिर कुछ भी है, तो जो है रेस्ट ही बहुत ज़्यादा मायने रखती है। आप अच्छे से जो है वर्कआउट भी फॉलो कर रहे हैं और डाइट भी ले रहे हैं, आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, तो इसके पीछे मेन रीज़न यही है कि आप लोग जो है अच्छे से जो है रेस्ट नहीं करते हैं। तो रेस्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी बॉडी को ग्रो करने के लिए, तो इसको कभी निगलेक्ट मत करिएगा। यही जो है सबसे सिंपल और इफेक्टिव तीसरा तरीका था, सोना। तो रात को अच्छे से 8-9 घंटे तक सोइए। बस यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पर चाहिए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट, लव यू। और जो है मैं अपनी वर्कआउट स्प्लिट बहुत जल्दी यूट्यूब पर अपलोड करने वाला हूँ, आप लोग जो है कनेक्ट रहिएगा। और बहुत सारे भाई लोग को देखते हैं सब्सक्राइब करके छोड़ दिए हैं, देखते नहीं हैं। कम से कम व्यू यार 100-150 तक ला दिया करिए आप लोग। आप ही लोगों के लिए मेहनत तो चल रही है भाई जोरों शोरों से। तो जो है यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो अपने किसी एक दोस्त साथ जरूर शेयर कर देना। और जो है आने वाले समय में मैं बहुत तगड़ी ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा हूँ, तो उसको भी मैं शेयर ज़रूर करूँगा आप लोग को दिखाने के लिए कि कैसे मैंने जो है ट्रांसफॉर्मेशन किया है। तो आप लोग जो है वीडियो ज़रूर बनाए रहिएगा, और आप लोग को भी बताता रहूँगा कि आप लोग जो कैसे अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं।
यूट्यूब के चैनल के माध्यम से जो है आप लोग की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में बहुत मदद करूँगा। तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय टाटा।